First Choice Kids Wear, धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ, स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर। फैंसी बाबा सूट, चूड़ीदार, वेस्टर्न आउटफिट, होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस। वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम। आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। आबादी को अंग पे नहीं ले सकता हूँ। जबतल में घपलाबाजी बहुत, ऐसा मार्केट देने के टाइम पे नंबर गुल हुए, लोगों ने नंबर अपने हाथ से चुन के निकाले। भाई हाँ भाई, तू कंगी तो तक ले तो हजार हजार रुपये हफ्ते के डॉक्टर मित्तल चे एरिया तक आने पाजे। ये देखो सिग्नेचर, एक 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 को किधर किधर दिया है, ये सब यहाँ पे लिखा है। लाभ मार्केट चे अलीकडन गुलाब पार्क रोड से हॉकर्स को हटाने की मांग राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन कर रही है। और आज मुमरा फायर ब्रिगेड पर राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभार से मुलाकात की। इस दौरान विरोधी पक्ष नेता शालू पठान, शमीम खान, ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल, मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी, सागर सालुंके और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के तमाम हॉकर्स मौजूद थे। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष की मांग है कि रोड के किनारे जो गुलाब पार्क मार्केट में हॉकर्स बैठ कर धंधा लगाते हैं, उन्हें रोड पे से हटाया जाए। हालांकि इस दौरान काफ़ी विवाद हॉकर्स के बीच में हुआ। हॉकर्स में ही धक्का मुक्की हुई और एक दूसरे को देख लेने की बात तक की गई। जो मीटिंग हो रही थी उसमें हंगामा हुआ और लीगल हॉकर्स जोन की मांग हुई। मंत्री जितेंद्र आभार ने ट्रैफिक विभाग और मनपा के अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा है कि रोड पर ट्रैफिक जाम नहीं होनी चाहिए और न ही रोड के किनारे कोई भी हॉकर्स बैठना चाहिए। अधिकारियों को कार्रवाई करने को तुरंत कहा गया है कि रोड पर अगर कोई हॉकर्स बैठता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ लोग पैसे लेकर हॉकर्स को रोड के किनारे बैठने के लिए जगह देते हैं, मगर ये भी बात कहा जा रहा है कि अगर मित्तल में हॉकर्स शिफ्ट हो जाते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि रोड के किनारे हॉकर्स नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुछ लोग रोड पर पैसे लेकर हॉकर्स को धंधा लगाने के लिए जगह देते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आज एक हॉकर्स को मित्तल में शिफ्ट करेंगे, कल दूसरा हॉकर्स रोड के किनारे आकर बैठ जाता है। मगर ये भी बात सही है कि शहर में एक भी लीगल हॉकर्स जोन नहीं। मीटिंग के दौरान एक हॉकर्स ने राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन पर घपले का आरोप लगाया। आरोपों को लेकर इस पर काफ़ी मामला गड़बड़ हो गया और हंगामा हुआ। बाहर निकलकर हॉकर्स आपस में ही लड़ने लगे। इनकी लड़ाई की वजह से ये मीटिंग बेनतीजा ही खत्म हो गई और मंत्री जितेंद्र आभार ने हॉकर्स के कुछ जिम्मेदार लोगों को मीटिंग के लिए आज अपने बंगले पर बुलाया है। एक दूसरे की ही टांग ये हॉकर्स खींच रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ऐसे में रमज़ान का महीना आने वाला है और हॉकर्स को मार्केट लगाने के लिए हॉकर्स जोन कहाँ मिलेगी, ये देखने वाली बात है। मगर सबसे अहम बात ये भी है कि जिस तरह से राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद गुलाब पार्क रोड पर जो हॉकर्स बैठते हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर इन्हें कार्रवाई करके यहाँ से नहीं हटाया गया और जल्द ही राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के लिए हॉकर्स जोन का फैसला नहीं लिया गया तो वो भी गुलाब पार्क मार्केट रोड के किनारे आकर धंधा लगाएंगे। आज मीटिंग के दौरान किस तरह से बेनतीजा ये मीटिंग ख़त्म हुई और हॉकर्स में किस तरह से हंगामा हुआ और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ट्रैफिक का मुद्दा रहा तो वो हमारी ट्रैफिक यूनियन संभाल लेगी, उसका हम लोग आपको आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं। शानू भाई, शानू भाई, शानू भाई,
शानू भाई इधर तो देखते रहे तो अभी आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग आपको शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। 3 साल से हम लोग भूखे मर रहे भाई, हमारे बच्चों की फीस नहीं दे पाए, मित्तल में कोई आता नहीं है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप हम लोग आपके घर पे कितनी बार आए, एक ही मुद्दा लेके आए आपके घर पे, हम आपको क्यों इतना मानते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सोचते हो। हम लोग आपके सामने आपके बच्चे के जैसे, हम लोग शानू भाई के सामने बड़ा बड़ा नहीं, मेरा बच्चा नहीं, नहीं मैं 30 साल का ही था। ना सुनो ना, ऐसा है 500 हॉकर्स के लिए मैं 5 लाख की आबादी को अंग पे नहीं ले सकता हूँ, वो बात हम लोग मानते हैं। क्या गाली देते हैं, हम लोग आने भी नहीं देंगे आपके अंग पे, आपकी इज्जत हमको प्यारी है, आज नहीं दे रहे क्या, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, नहीं आज गाली नहीं दे रहे सर। ऐसा है कम से कम पूछ रहे हैं, आज ज्यादा गाली दे रहे, पहले कम देते थे और आज ज्यादा गाली दे रहे, आज थोड़ी हाथ उतार रहे अपनी। हम लोग ट्रैफिक का पूरा जिम्मा लेते हैं, हम लोग 10 से 12 आदमी लगाएंगे ट्रैफिक का मार्केट के यूनियन की तरफ से, ₹1200 दंडाचं जे कलम आहे ते कलम 20 माणसं साळून के स्वतः आणि 3 क्लार्क पाठवतो, मी आता कमिशनरशी बोलून घेतो, साहेब उद्यापासून कारवाई सुरू झाली पाहिजे, नाही तर ओरिजिनल हॉकर वर्सेस आउटसाइडर्स हे लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम क्रिएट होईल आणि फालतूचं मुंबऱ्याचं नाव बदनाम होईल आणि हे याची जबाबदारी तुमच्यावर। जे बिचारे गरीब लोक आमचं ऐकतात ते बिचारे तिथे जाऊन बसतात आणि हे कोणतरी भाई, हा भाई तो कंगी तो टकल्या तो तिथे ₹1000 हप्ते घेतो। सुनिए सर, उनको ये बोलना है आपको जाना है तो वो हॉकर्स के उधर जगह दिए वहाँ जाए, त्यांना कुठे जायचं ते जाऊ द्या, पण गुलाब मार्केटच्या अलीकडनं ते कौशाच्या कोपऱ्यापर्यंत काय लाठी चार्ज करायचं आहे काय करायचं तो करा। हॉकर मित्तलच्या एरियातच आले पाहिजे, मित्तल मध्ये सर एक आपको एक चीज मैं खुल के बोलता था, मेरे को कुछ भी होए कोई कुछ भी करे मेरे को टेंशन नहीं है, मित्तल में घपलाबाजी बहुत हुआ ऐसा मार्केट देने के टाइम पे, नंबर गुल हुए, लोगों ने नंबर अपने हाथ से चुन के निकाले, जो हम लोग ओरिजिनल धंधे वाले, हम लोग के म्युनिसिपैलिटी के अंदर 94 से हमारा हॉकर में नाम है, रजिस्टर में नाम है हमारा, अब हमारे को है ना, हमारे को अभी फिलहाल मार्केट जब तक नहीं मिलता है, सुनिए कौन सा बात पे आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ शानू भाई, अभी नाम क्या है यूनियन का, हम लोग ने किए, हम लोग ने किए, अरे लेकिन हम लोग ने किए, तुम्हारे बैठने का मुद्दा है क्या, इंटरनेट कपड़े का मुद्दा है क्या, मुद्दा है हमारे मार्केट में मित्तल में पब्लिक आती नहीं है, हमारे को जब महानगर पालिका पक्का हमारा होकर जोन घोषित करके दे दे, जब तक हमारे को नहीं, वो भी मित्तल है ठीक है, लेकिन जब तक हमारे को साफ है कार्रवाई करने का जो बोल रहे हैं, भाई 2 मिनट बात करना, सुनिए सुनिए ये देखो 2007 की यादी है, 2007 ये देखो सिग्नेचर, ये एक एक को किधर किधर दिया है ये सब यहाँ पे लिखा है, अब कपड़े लिखा है बोला
अर्शाद भाई, आज अवार साहब आए थे यहाँ पर, मीटिंग रखी गई हॉकर्स के तरफ से, क्या उसमें डिसीजन लिया गया? इसमें कुछ डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, क्या कहा गया? अभी कुछ भी कहा नहीं गया। रात को 10 बजे घर पे बुलाए हैं। रात को हम 10 बजे घर पे जाएंगे, उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है। अभी कुछ बात नहीं हुई है। वो खाली पुलिस वाले को बुला के बोले जो वहाँ पे अनलीगल हॉकर्स बैठ रहे हैं उनको दंड मारो या कुछ भी करो, उनको उठाओ, वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए। और वसीम नाम के जो हॉकर थे उसने जो आरोप लगाया कि आप लोगों में जो घपलेबाजी हुई है वो कितना सही है? कैसा है एक बात बताता हूँ आपको। अभी हमारे 500 हॉकर्स है, सबको मालूम है लॉटरी सिस्टम से उठाया गया है, तो जिसको पीछे जिसको जगह मिली है वो क्या बोल रहे हैं, लोग घपलेबाजी की है और कोई मुद्दा नहीं है। घपलेबाजी का मतलब ये है कि जो लॉटरी सिस्टम से उठाएगा, ये नहीं कि मैंने किसी को उठा के ये तू टोकन ले, ये तू टोकन ले, तो कहना है कि अपने अपने हाथ से सब उठाए, सब अपने हाथ से उठा, सब अपने हाथ से उठाएंगे ना। लॉटरी सिस्टम क्या होता है, लोग अपने हाथ से उठाते हैं, एक एक चिट्ठी नाम बोला गया वो आके अपने अपने उठाया। अब उसमें जिसके पीछे हिस्सा पड़ा है ना वो बोलते हैं घपला की, पैसा वैसा लेकर दिया गया, पैसा किसी ने नहीं लिया गया। अगर पैसा किसी से लेकर एक टोकन में दिया गया तो कोई साबित कर दे, एक टोकन, मैं ज्यादा नहीं बोलता है, एक टोकन, 500 जन है, एक टोकन। हाँ, चलते रहो, चलो। एक टोकन भी अगर कोई साबित कर दे कि पैसा लेके दिया गया है तो लाओ उसको सामने, मेरे को बोलो कि भाई इससे आपने, इरशाद भाई ने इससे पैसा लेकर टोकन इसको दिए। कोई एक बंदा है तो लेकर आओ, किस किसी के पास भी। और क्या क्या बोले आगे आवाज साहब ने? अभी बात हो रही थी तो इसमें तो माहौल हमारे हॉकर्स ने कुछ उल्टे सीधे बोल दिए, इसके लिए मीटिंग को अगर हॉकर्स रोड से नहीं हटते तो अगला स्टैंड क्या रहेगा? अगला स्टैंड हमको वहाँ पे बैठना। कहाँ बैठेंगे आप लोग? मित्तल गुलाब पार्क में, गुलाब पार्क मार्केट से मित्तल में बैठेंगे आप लोग? मित्तल से हट के गुलाब पार्क में बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे। अच्छा, अगर आज रात जाएंगे? आज रात हम जाएंगे आपके घर पे जाएंगे। हाँ, आज रात हम और सबके घर पे जाएंगे, वहाँ पे बुलाए हैं। अगर वहाँ पे क्या डिसीजन होता है, अगर सही से डिसीजन हुआ तो हम संतुष्ट रहेंगे। अगर नहीं, आप लोगों को लीगल हॉकर जोन नहीं मिल रही है उसको लीगल हॉकर जोन बना रहे पीछे के हिस्से में है हमारा, वो अभी आप बताइए, उसको अभी कम्प्लीट हुआ नहीं, सिर्फ भरनी कर दी, उसको बनने में 6 महीने साल भर या 2 साल लगेगा, ये आज का आज नहीं बनने वाला है, वो आज वो तैयार होने वाला नहीं। मगर हमारा मुद्दा क्या है, जब तक का हमारा क्या, जब तक हम घर पर तो बैठेंगे नहीं ना, हमको तो रोज़ खड्डा खोदना है, रोज़ पानी पीना है, हमको तो रोज़ भूख लगती है ना। यानी आज आप लोगों का लास्ट डिसीजन है, अगर आज फैसला नहीं हुआ तो आप लोग मित्तल से निकल के गुलाब पार्क में बैठेंगे इंशाल्लाह, जरूर, ये हमारा लास्ट डिसीजन है।